हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम अपने सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट हमारा जनरा है प्लाज्मो डी फोरा उसके बाद उसका लाइफ साइकिल हम स्टडी करेंगे सो so, लेट्स स्टार्ट इट सिम्टम्स टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियोफोरा डी फोरा ब्रेसिके चलिए यदि हम टैक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो पिछली बार पिछले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था काइटिडियो क्लास के बारे में हमने स्टडी किया था जिसमें हमने सिन काइट्रियम पढ़ा था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेस्टिगो माइकोटा इसका सब डिवीज़न हैप्लो माइकोटा की जो थर्ड क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज इसके अंदर आएगा आपका प्लाज्मोडियोफोरा इसके क्या करैक्टर्स हैं पैरासिटिक फंजाई होती है विद नॉन सेलुलर मल्टी न्यूक्लियट थैलाई दैट इज़ जैसे कि आपने पहले जंदरा में पढ़ा था प्लाज्मोडियम तो इसके अंदर भी ये मल्टी न्यूक्लियट थैलाई होएगी नॉन सेलुलर दैट इज प्लाज्मोडियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा ओके okay? ये इसका टेक्सनॉमिक पोजिशन मेस्टिगो माइकोटा देन प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ प्लाजो डिओफोरेल्स प्लाज्मोडियोफोरेसी प्लाज्मो डिओफोरा और स्पीशीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो है ब्रैसिका दैट इज़ प्लाज्मो डिओफोरा ओके ये क्या है ओब्लीगेट एंटोपैरासाइट है और ये जो डिजीज़ कॉज करता है प्लाज्मो वो है क्लब रूट या फिर इसको हम फिंगर एंड टो डिज़ीज़ भी कहते हैं अधिकतर कृषि के अंदर ये फिंगर एंड टो डिजीज़ या क्लब रूट डिजीज़ को कॉज करता है और जो इसकी जो डिस्कवरी है बाय वार एटीन सेवेंटी एट के अंदर इसकी जो डिटेल्स है वो वॉरिन ने हमें बताई प्लाज्मा डिओफोरा क्लब रूट ऑफ कैबेज टैक्सोनॉमिक करैक्टर्स प्राइमरी फेज इसमें दो फेजेस हम स्टडी करेंगे प्राइमरी फेज़ जो कि रूट हेयर्स के अंदर होगा सेकेंड्री फेज जो कि कॉर्टिकल सेल्स के अंदर होगा रूट की कॉर्टिकल सेल्स के तो जो प्राइमरी फेज के अंदर जो स्पोज हैं वो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे डिजीज रूट हेयर्स में और सेकेंडरी फेज के अंदर वो और डीप इनसाइड कॉर्टिकल सेल्स के अंदर आ जाते हैं ओके सो करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस का ये ओब्लीगेट एंडोपैरासाइट होते हैं अटैकिंग कैबेज एंड पोटैटो इन्फेक्शन रिजल्ट इन टू हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया इन द होस्ट डिस्ट्रप्शन ऑफ वेस्क्यूलर

वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द यूनिक्लियर डिविजन नाउ रेफर टू एस क्रूसीफॉर्म तो जो नावाशीन ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि क्रूसीफॉर्म डिविजन किसने बताया तो ये नावाशीन एटीन नाइनटी नाइन में बताया और इसके अंदर क्या डिफरेंट है एट मैटाफेज ऑफ क्रूसीफॉर्म डिविजन द इक्वेटोरियल बैंड ऑफ क्रोमेटिन एंड द इलांगेटेड न्यूक्लियस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या बन जाती है क्रॉस शेप बन जाता है ओके okay. इससे क्या होगा एक क्रॉस शेप फिगर बन जाता है इसलिए हम इस डिविज़न को कहते हैं क्रोसीफॉम डिविजन क्योंकि कई बार इट कम्स इन द शॉर्ट नोट्स तो ये आपको पता होना चाहिए क्रोसीफॉर्म डिविजन क्या होता है चलिए अब ये जो डिज़ीज़ है इसके सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं इन्फेक्टेड रूट्स बियर माल फॉर्मेशन अब जो भी यदि हम कैबेज की बात करें तो जो इसकी इन्फेक्टेड रूट्स होती हैं वो माल फॉर्म्ड होती हैं मतलब नॉर्मल उनकी जो है वो नॉर्मल uh, जो उनका स्ट्रक्चर है वो नहीं होती दे हैवेराइटी ऑफ शेप्स इफ़ इन्फेक्शन अकर्स एट अर्ली स्टेज क्लब और माल फॉर्मेशन आर फॉर्म ऑन द मेन रूट तो जब इन्फेक्शन अर्ली स्टेजेस के अंदर हो जाता है तो जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पर रहता है मेन रूट के अंदर होता है एंड द डिजीज इज कॉल्ड क्लब रूट डिजीज ओके तो जब इन्फेक्शन अर्ली स्टेजेस के अंदर होता है तो सिर्फ मेन रूट इफेक्ट रहती है और तब हम उसको कहते हैं क्लब रूट डिजीज अब फंगर अंटो ये सेम ही डिजीजेस के पार्ट्स हैं ठीक है पर जब क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट इज़ सप्रेस्ड और इसके अंदर क्या होएगा जब मेन रूट आ, इन्फेक्टेड हो रही है तो जो लेटरल रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट सप्रेस हो जाएगा पर यदि जो लेट इन्फेक्शन होता है यदि अर्ली इन्फेक्शन नहीं हुआ सपोज और लेट इन्फेक्शन हुआ तो क्या होएगा जो गॉल्स हैं वो लेटरल ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होते हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड फिंगर एंड टो डिजीज़ तो क्लब रूट डिजीज़ जब बोलेंगे जबकि वो प्राइमरी मतलब जो आपकी मेन रूट है उस पर है और सेकेंडरी जब लेट इन्फेक्शन होता है तो फिर वो लेटरल ब्रांचेस पर इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्लब फिंगर एंड टो डिजीज ओके अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ऐसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एट सून है देन परमानेंट विल्टिंग और जो है ग्रोथ है वो भी रिटार्टेड हो जाती है तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया तो यू मस्ट नो वाटर क्लब रूट तो हम कब बोलते हैं और फिंगर एंड टो डिजीज हम कब बोलते हैं जब प्राइमरी रूट में इन्फेक्शन होगा देन देन इट इज़ क्लब रूट लेटरल लेटरल आर आर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स और जब इन्फेक्शन uh, लेट होएगा तो लेटरल रूट्स के अंदर इन्फेक्शन होता है अब उसे हम कहते हैं फिंगर एंड टो डिजीज ओके सो यह आप इसको पिक्चर्स दे सकते हैं फिंगर एंड टो जैसे कि लिखी रहा क्यों है क्योंकि जो लेटरल रूट्स हैं उनके अंदर किस तरह से फिंगर्स और टो

तो आपको सिम्टम्स के बारे में आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर टू डिस्टिंक्ट्स प्लाज्मोडियल फेजेस होते हैं फर्स्ट फेज इज़ जूस्पोरेंशियल प्लाज्मोडियम एंड द सेकेंड प्लाज्मोडियल इज कॉल द रेस्टिंग प्लाज्मोडियम यदि हम इसकी बात करें तो टू फेजेस एक हैप्लोफेज होता है और एक डिप्लोफेज होता है तो जो प्राइमरी फेज है आपका वो होता है हैप्लोफेज़ और जो सेकेंडरी फेज़ है वो आपका होता है डिप्लोफेज़ मतलब हेप्लोइड जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे प्राइमरी फेज़ के अंदर होंगे और जो सेकेंडरी फेज़ है उसके अंदर आपका डिप्लोइड फेज़ होगा ओके वॉल्स ऑफ रेस्टिंग स्पोज करटेंट काइटिन और सेलुलोर्स इन सम स्पीशीज सेक्शुअल फ्यूजन इज ऑब्जर्व बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग स्पोर प्लाज्मोडियम तो चलिए अब हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करेंगे कि दो तरह के आपको फेजेज जिसमें हम स्टडी करेंगे हैप्लोफेज एंड डिप्लोफेज ओके okay? अब ओबली ये थैलस ऑफ प्लाज्मोडियम नेकेट प्लाजी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से होते हैं जूसपोज इसके एंटी जोस्पोज किस तरह के बनेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू दैप्लोमेस्टिगो माइकोटीना बट इसके अंदर जूसपोजर एंटीरियरली बाई फ्लैजुलेट होंगे ओके तो जोस्पोज इसमें बाई फ्लैजलेट होंगे पर जो एक जो फ्लैज जो एक जो होगा वो बहुत अंडर डेवलप्ड होता है मतलब बिल्कुल स्मॉल सा होता है और बाकी एक मेन फ्लैजेला होता है तो जोस्पोज आर एंटीरियरली बाई फ्लैजलेट अनइक्वल इन लेंथ एंड यूनि न्यूक्लिएट बोथ द फ्लैजेला आर ऑफ वी प्लस टाइप तो ये इस तरह का आप जोस्पोर इसके अंदर बनाएंगे रेस्टिंग स्पोज कैसे होता है दे आर टाइनी हाईलेंथ फरिकल हैप्लॉज यूनि न्यूक्ट विद स्पाइनी वॉल्स तो ये इसके हमने जनरल स्टडी कर लिए चलिए अब हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सी इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी फेजेस को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं ये डायग्राम मैंने आपके बुक से ही लिया है तो ये डायग्राम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और साथ में आप इस डायग्राम को भी हम देखते जाएंगे ओके तो चलिए सबसे पहले हम हैप्लोफेज स्टडी करते हैं हेप्लोफेज अक्कर इन रूट हीयर्स जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ हैप्प्लोफेज़ क्या है प्राइमरी फेज़ जो कि रूट हीयर्स में होगा और डिप्लोफेज़ क्या है सेकेंडरी फेज़ जो कि रूट के कॉर्टिकल सेल्स के अंदर होएगा तो ये आप अपना क्लियर कर लीजिए कि किस कौन सा फेज़ कहाँ पर प्रेजेंट होगा ओके तो हेप्लोफेज अक्कर इन रूट हीयर्स डिप्लोफेज अक्कर इन द सेल्स ऑफ मेन रूट कॉर्टेक्स एंड द ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट प्लांट ओके नाउ ईच फेज इंक्लूड्स नंबर ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अब हैप्लोफेज के अंदर क्या होएगा हैप्लोफेज के अंदर यदि रेस्टिंग स्पोर्स हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम द मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड क्योंकि अब जो सेकेंडरी फेज में क्या है डिप्लॉइड न्यूक्लियस है अब हैप्लोफेज कहां से स्टार्ट होएगा डिप्लॉयड फेज के मियोसिस से स्टार्ट होएगा या सेकेंडरी यदि हम पीछे से बात करें तो सेकेंडरी प्लाज्मोडियम बन रहा है सेकेंडरी प्लाज्मोडियम को हम स्पोरोथैलस भी कहते हैं उसके उससे जो मियोसिस होता है वहाँ वहाँ से स्टार्ट होगा ओके तो ये पूरा साइकिल हम इस तरह से स्टडी करेंगे वो क्या होंगे जो स्पोरोथेलस से जो जूओस्पोज बनेंगे वो पायोनीर होंगे हैप्लोफेस के और वो फिर रूट हेयर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो अब स्टार्ट कहाँ से होएगा आपका उन स्पोरोलस से जो जूसपोज निकल रहे हैं उनसे ओके अब जूओस्पोज कैसे होंगे चलिए अब ये टाइनी हाइलेन स्परिफल हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं यून्यूक्लिएट होते हैं आउटर यदि हम इस ये यदि इस रेस्टिंग स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग स्पोर्स किससे बनेंगे आपके स्पोरोथेलस मतलब सेकेंडरी प्लाज्मोडियम से मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको प्राइमरी प्लाज्मोडियम हैप्लॉइड होएगा सेकेंडरी प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड होएगा सेकेंडरी प्लाज्मोडियम को हम स्पोरोथेलस भी कहते हैं स्पोरोथेलस से रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं रेस्टिंग स्पोर्स से जो पायोनिर होंगे मतलब रेस्टिंग स्पोर्स के जर्मिनेशन से हेप्लोफेज स्टार्ट होगा ओके अब रेस्टिंग स्पोर्स कैसे होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स टाइनी होते हैं स्मॉल हैं हाइलिन है, है स्पेरिकल होते हैं और हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं अब स्पोरोथेलस से रेस्टिंग स्पोर्स कैसे बना वो हम सेकेंडरी फेज के अंदर पढ़ेंगे ठीक है अब ये क्या होते हैं आ, आउटर जो इनकी स्पोरेंजियल वॉल होती है Uh, उसमें उसमें स्पीक्यूल्स होते हैं सम जम्पोर्स में भी प्रेजेंट इन द वॉल अब इनसाइड वॉल इज स्पोरेंजिकल मेम्ब्रेन होती है दैट मीन्स एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मैमब्रेन है आउटर मैमब्रेन स्पाइनी होती है इनर मैमब्रेन जो है वो थिन होती है आ, आ, मतलब स्मूथ होती है और उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनिल जो रेस्टिंग स्पोरेंजे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट रहते हैं और जो मेचोर स्पोर्स हैं ये जब कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं क्लब रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और जब क्लब रूट्स डिके हो जाती हैं हमने इन्फेक्शन की बात की ना तो रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट हैं और जब वो डिके हो जाती हैं तो ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं सॉइल के अंदर आ जाते हैं और उनके जर्मिनेशन से फिर क्या होता है जर, उनके जर्मिनेशन से फिर जो हैप्लोफेज़ है वो स्टार्ट होता है अब जर्मिनेशन कैसे होएगा जर्मिनेशन का डायग्राम ओके okay. जर्मिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए जर्मिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं ये ए के अंदर ये रेस्टिंग स्पोज से किस तरह से ये बी सी से ये जर्मिनेट हो रहा है ठीक है और बाकी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं तो जर्मिनेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोज जो हैं Uh, वो क्या होता है स्पोर्स इमीडिएटली या तो जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे ही वो बनते हैं या फिर वो सॉइल के अंदर डॉलमेंट भी रह सकते हैं अब क्या होता है जो स्पोर्स फ्रॉम द ओल्डर डिकेइंग गॉल्स जर्मिनेट फास्टर देन द यंग गॉल्स जो यंग गॉल्स से यदि डिकी हो रहा है तो वो देर से जर्मिनेट होते हैं यदि ओल्ड गॉल्स हैं तो वो जो स्पोर्स हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं अब तो कैसे होते हैं स्पोर्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर स्वेल हो जाते हैं जो इनके बीच में एक स्लिट अपीयर होती है उनके स्पोरेंजल वार्म में और उसमें से क्या निकलता है यूनि प्रोटोप्लास्ट निकलता है इमर्जेस एट जुओ स्पोर्स ओके तो अब हमने कहाँ से आपका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्टिक स्पोर से जो कि रेस्टिंग स्पोर क्या है हेप्लॉइड है वो जर्मिनेट होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? डिजीज्ड जो प्लांट है ना क्लब रूट्स उनके अंदर प्रेजेंट है जब क्लब रूट्स डिके हो जाती हैं बिकॉज वो सॉफ्ट इश्यूज़ हैं और जब कंप्लीट हो जाता है क्रॉप तो वो डिकी हो जाती हैं तो सारे रेस्टिंग स्पोज कहाँ गए आपके सॉइल के अंदर आ गए अब जो ओल्डर रेस्टिंग स्पोज़ हैं या जो ओल्डर गोल्फ़ के हैं वो जर्मिनेट होते हैं पानी एब्जॉर्ब करते हैं उनकी जो बाहर की वॉल है वो ब्रेक हो जाती है और अंदर की जो स्मूथ वॉल है इट कम्स आउट एज अ जू ओस्पोज क्या होते हैं पियर शेप्ड होते हैं फ्लैजिला होता है उनके अंदर जैसा हमने पहले बताया दो एंटीरियरली बाई एंटीरियर होते हैं स्मॉल फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग दोनों व्हीप्लेस टाइप के होते हैं ओके चलिए मतलब दैट मीन्स दे आर अन एकवल फ्लैजुला और दोनों के दोनों व्हीप्लेस टाइप के होते हैं अब आगे क्या होता है अब ये अब इनका क्या काम है प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट तो हैप्लोफेज आपने स्टार्ट किया कहाँ से रेस्टिंग स्पोर्स से तो आप पहला लिखेंगे रेस्टिंग, रेस्टिंग स्पोर्स से किस तरह से जो स्पोर्स बने फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप है प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ होस्ट ओके चलिए अब प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ होस्ट कैसे होएगा अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सपोज ये वन टू इस तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर तो इन्फेक्शन टेक्स प्लेस एट द सीडलिंग स्टेज इन द होस्ट अब जब सीडलिंग स्टेज ही होती है तभी इन्फेक्शन हो जाता है जो बाई बाइफ्लाजिलेट हेट्रोनॉट हेट्रोनॉट फ्लाजेला मतलब जो कि अनइक्वल है तो बाई फ्लैज हेट्रोनॉट फ्लैजिला या प्राइमरी जुओसपोज भी बोल सकते हैं हम या इनको हम सिस्ट जूओस्पोज भी बोल सकते हैं ठीक है तो बोलेंगे हम इनको जुओस्पोज ओके ये स्विम्स एंड

Wow, अपने रिट्रीव कर लेते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं अमीबॉइट बन जाते हैं मतलब जैसे ये फ्लाजिला अपने रिट्रीव करते हैं या फिर फ्लाजिला जब इनमें से हट जाते हैं तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया अमीबॉइट ओके okay? तो जब सूटेबल होस्ट मिलता है तो ये जोस पर उस पर जाके चिपक जाते हैं स्विम करते हुए सॉइल में जो भी थोड़ा पानी होता है और फिर ये अमीबॉइट बन जाते हैं आफ्टर रिट्रीविंग द जोर्स पर ओके इन दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड मिक्स अमीबा जैसे कि आप नंबर वन पे देखिए मिक्स अमीबा ओके प्लाज्मो मिक्स अमीबा आउटसाइड द रूट हेयर पहला डायग्राम क्या है मिक्स अमीबा आउटसाइड द रूट हेयर सेकंड डाय सेकंड देखिए जो सेकंड में क्या लिखा हुआ है मिक्स अमीबा विद इन द रूट हेयर ओके और थ्री में क्या है गैमी जो थैलस अब हम देखेंगे कि अमी जो मिक्स अमीबा से गैमिटो थैलस किस तरह से बनता है तो नंबर वन पे आप पहुंच गए नंबर वन इज मिक्स अमीबा आपका बन गया है ओके चलिए अब क्या होता है मिक्स अमीबा रिफ्रैक्ट इज फ्लाजिला एंड एंटर्स इन द रूट हेयर डायरेक्टली अब ये जो भी मिक्स अमीबा आपका बन गया है आफ्टर जो भी फ्लाजेला के लॉस के बाद अब ये रूट हेयर्स के अंदर डायरेक्टली एंटर कर देता है बाय पार्शियली डिसॉल्विंग ऑफ द रूट हेयर वॉल कैसे एंटर करता है रूट हेयर की वॉल को वो थोड़ा डिसॉल्व कर देता है और फिर उसके बाद ये एंटर हो जाता है द साइक्लोसिस ऑफ होस्ट साइटोप्लाजम स्वीप द मिक्स अमीबे अवे फ्रॉम पेनेट्रेशन साइट सून आफ्टर द इन्फेक्शन और जो साइक्लोसिस चलता रहता है वो इस मिक्स अमीबा को पेनेट्रेशन साइट से Uh, मतलब अंदर सेल के अंदर ले जाता है थोड़ा दूर ले जाता है अब क्या होता है द यंग मिक्स अमीबे इन द रूट हेयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट साइटोप्लाज्म बट टू काइंड्स ऑफ इंट्राफेशियल मेम्ब्रेन अरेंजमेंट्स ओके अब इस तरह से जो मिक्स अमीबा है वो रूट हेयर्स वो बाकी के जो होस्ट का जो साइटोप्लाजम है उससे वो उसको सेपरेट रखते हैं चलिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट मीन्स आपको कंफ्यूज ना हो तो आप सिर्फ इतना देखें कि जो बने जो से मिक्स अमीबा बने मिक्स अमीबा रूट हेयर के अंदर एंटर हो गए उस जो, जो रूट जो हेयर है उसकी वॉल को डिजोल्व करके ओके अब थर्ड स्टेप क्या तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया रेस्टिंग स्पोज से जो बना फिर सेकेंड स्टेप क्या हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ होस्ट हो गया दैट मीन्स जो आपके मिक्स अमीबा है वो रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो गए अब थर्ड स्टेप क्या है प्राइमरी प्लाज्मोडियम प्राइमरी प्लाज्मोडियम कैसे बना प्राइमरी प्लाज्मोडियम को ही हम कहते हैं गैमिटोथैलस ओके बिकॉज इससे क्या बनेंगे गैमिट्स बनेंगे जो सेकेंडरी प्लाज्मोडियम है उसको हम कहते हैं स्पोरोथैलस क्योंकि उससे बनेंगे स्पोर्स तो ये क्लियर है यदि हम प्राइमरी प्लाज्मोडियम है तो वो क्या है गैमिटोथैलस हम इसको बोलेंगे तो डोंट कंफ्यूज जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो नंबर थ्री पे क्या लिखा हुआ है गैमिटोथैलस ये क्या है आपका प्राइमरी प्लाज्मोडियम चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे बना विद इन द रूट हेयर्स द यूनीूक्लियट मिक्स अमीबा एंड लार्जेस्ट टू फॉर्म अ थैलस अब मिक्स अमीबा कहाँ आ गया रूट हेयर के अंदर आ गया अभी क्या करता है एनलार्ज होता है भरता है पास में और एक थैलस बना लेता है द प्रोटोप्लाजम इंक्रीजेज इन साइज एंड द हेप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली ये अब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना इसका जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है इसका प्रोटोप्लाज्म भी साइज़ में इंक्रीज हो जाता है और जो जो भी डिविजन्स है ना जैसा फर्स्ट मैंने इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स में बताया वो क्या होता है क्रूसीफॉर्म होते हैं तो ये जो डिविजन्स है न्यूक्लियर के वो क्रूसीफॉर्म होते हैं तो जो इसका न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स रिपीटेडली बाय द क्रूसीफॉर्म डिविजन्स ओके तो द रेजल्ट अब इससे क्या होगा बहुत सारी स्मॉल नैकेट न्यूक्लियाई बन जाएंगी तो रिजल्ट इज स्मॉल नैकेट मल्टी न्यूक्लियट ए सेल्युलर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो आपको पहले भी आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा जब हमने स्लाइम मोल्स पढ़े तो प्लाज्मोडियम क्या होता है इट इज़ ए सेल्युलर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज न स्मॉल कई सारी इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं तो जो अमिक्स अमीबा था वो रूट हेयर के अंदर एनलार्ज होता है उसका प्रोटोप्लाजम एनलार्ज होता है जो न्यूक्लियर है इट डिवाइड्स बाय द डिवीजन बाय रिपीटेड डिवीजन अब आपको क्या मिल गया एक प्राइमरी प्लाज्मोडियम बन गया मतलब जिसमें बहुत सारे आपके में, क्या है प्रेजेंट हैं इट इज अप्लॉइड स्ट्रक्चर टर्म डेस्ट गैमिटोथ और प्राइमरी प्लाज्मोडियम अब आपका मिक्स अमीबा से क्या बन गया प्राइमरी प्लाज्मोडियम बन गया मैनी सच थैलाई में बी प्रेजेंट इन वन रूट हेयर ठीक है ये देखिए आप क्या है अभी हम एक रूट हेयर ये ए जो डायग्राम है इसमें क्या ये एक रूट हेयर दिखा रखा है ना इसके अंदर एलाज हो के तो ये एक रूट हेयर का डायग्राम है ऐसे कितने ही सारे रूट हेयर्स होते हैं प्लांट्स में और बहुत सारे अधिकतर कई सारे रूट हेयर्स के अंदर इससे बहुत सारे प्राइमरी प्लाज्मोडियम या गैमिटोथैलस तो जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं आ गया समझ में चलिए तो ये आपका ए जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया अब बी के अंदर हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमिट्स इन द गैमिटेंजियम कि अब ये जो गैमिट जो आपका गैमिटोथैलस बना उससे गैमिट्स किस तरह से बनते हैं फिर इनका जो लिब्रेशन कैसे होता है सी से हम देखेंगे किस तरह से लिब्रेट हो रहे हैं ओके चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है इनका आ, किस तरह से इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है या गैमिट्स किस तरह से बनते हैं तो अब क्या होता है आफ्टर अ सर्टिन पीरियड ऑफ ग्रोथ द साइटोप्लाजम ऑफ गेमिटोथैलस क्लीव इन टू एज मैनी एज मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज एज दे आर न्यूक्लियाई ओके अब अभी आपने क्या देखा प्राइमरी प्लाज्मोडियम में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो कुछ जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो कुछ समय बाद जितना जो भी इसका गैमिटोथैलस का जो साइटोप्लाज्म है वो कई सारे उतने पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है जितने कि उसके अंदर न्यूक्लियाई हैं और हर एक जो डॉटर प्रोटोप्लाज्म है मतलब एक एक न्यूक्लियस है और क्या है प्रोटोप्लाज्म है और हर एक जो ये चीज़ है वो उनके बाहर क्या हो जाता है एक वॉ सीक्रेट हो जाती है अब नाउ इट इज फंक्शन एज गैमिटेंजियम ओके तो अब आपके गैमिटोथैलस से क्या बन गया है गैमिटोथैलस में तो क्या था सिर्फ मल्टी कई सारे न्यूक्लियाई थे अब जब गैमिटेंजियम बनता है तो हर एक न्यूक्लियाई के बाद साइटोप्लाज्म और उसमें मैमब्रेन तो अब ये मेम्ब्रेन बाउंड कई सारे स्ट्रक्चर बन गए तो ये क्या कहलाता है अब आपका गैमिटेंजियम जैसे कि आपके ये फोर के अंदर देख सकते हैं ना आप ओके okay. जो बी डायग्राम में ये रूट हेयर बन रहा है भी उसके अंदर क्या बन गया है अब ये गैमिटेंजियम बन गया है अब गैमिटेंजियम में से गैमिट्स बन गए अब गैमिटेंजियम आर स्मॉल फरिकल थिन वॉल्ड यूनि न्यूक्लियट स्ट्रक्चर या अब क्या बन गया है इनके अंदर सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं अब गैमिटेंजियम अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म फोर टू एट डॉटर न्यूक्लिया अब इनके अंदर वापस से क्या होता है माइटोटिक डिविजन्स होता है और फिर वापस से हर एक गैमिटेंजियम हर एक जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर चार से आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं ईच डॉटर न्यूक्लियस गैदर्स स्मॉल अम और फिर वापस उनके से जो साइटोप्लाज्म इनके चारों ओर लग जाता है इस तरह से क्या बन जाते हैं बहुत सारे ये गैमिट्स बन जाते हैं एंड और फिर उसके बाद ये गैमिट्स uh, अब ये क्या बन गए हैं इन गैमिट जो भी एक सिंगल इसका वो है न्यूक्लियस है और जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते कहला हैं गैमिट्स कहलाते हैं गैमिट्स क्या हैं इसके आइसो गैमिट्स हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं मोटाइल होते हैं बाई फ्लैजेलेट होते हैं तो ये उसके अंदर इनका डेवलपमेंट हो जाता है हर एक गैमिट्स का दे आर स्मॉलर इन साइज देन दुअस्पोज फ्लैजिला सेम होएगा टू फ्लाजेला होंगे अनइक्वल वी प्लेश एट एंटीरियर एंड बस जो इसके जो जो बन रहे हैं और जो आपके रेस्टिंग स्पोज से जोर्सपोज बन हैं उनमें साइज़ का फर्क होगा तो ये जो गैमिट्स वाले जो हैं दे आर लिटिल स्मॉलर इन साइज ओके तो दस इन वन गैमिटेंजियम अप टू एट आईसो गैमिट्स है फॉर्म तो मतलब एक गैमिटेंजियम के अंदर आपके आठ के करीब गैमिट्स बन जाते हैं उनमें कोई सेल वॉल नहीं होती हो ये पूरे प्रोसेस के अंदर दो से आठ दिन तक लग जाते हैं नाउ दिस गैमिटेंजियम वॉल बर्स्ट द लिव गैमिट्स जो है रूट हेयर से बाहर आ जाते हैं तो जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ये गैमिटेंजियम बन गया गैमिटेंजियम से ये गैमिट्स बन के ये बाहर जब ये बाहर आते हैं तो फिर इनके ये फ्लैजिला ये आप देख सकते हैं बाई हैं और एंटीरियरली अनिक्वल बाई ये जो आइसो गैमिक्स नाउ दे बिहेव बिहेवर्स गैमिट्स बिकॉज अब इनको क्या करना है फ्यूज़ होना है क्योंकि अब ये डिप्लॉइड स्टेज के अंदर जाएंगे ओके okay. अब क्या होएगा नेक्स्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्राइमरी क्या बना आपका प्राइमरी प्लाज्मोडियम बना या गैमिटोथैलस बना फिर गैमिटोथैलस से कई सारे न्यूक्लियस बने फिर गैमिटेंजियम बना गैमिटेंजियम से आपके क्या बन गए गैमिट्स बन गए अब ये जो भी गैमिट्स हैं वो लिब्रेट हो गए रूट हेयर से बाहर आ गए अब इसके अंदर प्लाज्मोगी होगा और कैरियोगी होगा नाउ so नेक्स्ट स्टेप इज प्लामोगी आफ्टर लिब्रेशन आइसोगे क्या करते हैं कॉपुलेट मतलब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इन पीयर्स गैमिट्स फ्राम द सेम और डिफरेंट गैमिट एंजियपुलेट तो जो गैमिट्स इनका कोई रूल नहीं है ये एक जो भी एक गैमिट एंजियन से हुए निकले हैं वो भी आपस में फ्यूज हो सकते हैं मतलब जो भी अवेलेबल है तो ये दो गैमिट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और या फिर ये रूट हीय कई बार क्या होता है विद इन द रूट हेयर भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं अब आइसोगेमिट्स रिलीज या फिर ये बाहर आके फ्यूज़ हो जाते हैं अब क्या होगा पेयरिंग से फ्यूज मैम्रीन फ्यूज हो जाती है आपस में साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं ये प्लाज्मोगेमी है अब क्या है बाई न्यूक्लियर फ्यूजन सेल इज फॉर्म जैसे कि आप डी के अंदर देख रहे हैं ये चार फ्लैजेला हैं और ये दो न्यूक्लियस हैं अब इसके बाद क्या होगा प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होती है दैट मीन्स जो दो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं अब क्या बन गया आपका जाइगोट बन गया है तो ये चीज़ अब आपका जो इस नेक्स्ट uh, स्टेप आएगा आपका कि किस तरह से इस पुरोथैलस आपका स्टार्ट हो जाएगा ओके अब इसके आप पहले यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमिट्स इन द गैमिट एंजन दें लिब्रेशन ऑफ द जायगोट इन अब अब जो ये जयगोट है ये फ्यूजन ऑफ गैमिट्स हो गया अब जायगोट जो है वो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर अब जो हम नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे आपका डिप्लो फेज तो डिप्लो फेज के अंदर क्या होएगा कि किस तरह से ये जयगोट से कॉर्टिकल सेल्स के अंदर तो इसके अंदर हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि जयगोट इन द अब जाइगोड कहाँ चल जाता है इन द कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाता है फिर स्पोरोथैलस बनता है और फिर रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं तो ये जो नेक्स्ट आपका डिप्लोफेज है आ, मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा हो गया तो हम इसको अब नेक्स्ट वीडियो इमीजिएटली नेक्स्ट विथ सेम पिक्चर्स हम इसको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स अंदर मैं इसको अपलोड करूँगी जिसके अंदर है मैं पूरा स्पोरोथैलस के बारे में भी हम पढ़ेंगे ओके और ये पूरा लाइफ साइकिल भी हम वापस से सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू सो मच